मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप सबों को हमारी ओर से सहप्रेम इस सहाय जय सु जय मसीह की। हमारे कार्यक्रम आवाज़ में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ऑनलाइन के माध्यम से मसीह संगति में जुड़ पाते हैं। आइए आज के बाइबल अध्ययन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवते अनुग्रही पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज के दिन जीवतों के बीच में रखा पिता। हाँ पिता, हम में से ऐसे बहुत होंगे जो आज के दिन को देख नहीं पाए होंगे, पर आपने हमें इस योग्य समझा कि हम जीवतों के बीच में आपकी स्तुति महिमा करने पाते हैं। हे पिता, हम इस समय तेरे वचन पर ध्यान मनन करने जा रहे हैं। हमारे पढ़ने सुनने और सिखाने सभी बातों में अपनी आशीष को प्रदान कीजिए। अपनी उपस्थिति से हर एक को भरिए कि हम आपकी वचन की गहराई को समझ पाएं और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएं। पिता, हम तेरे सम्मुख अपने पापों को मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर और इस दिन धन्यवादी प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का बाइबल अध्ययन का विषय है प्रार्थना और उसकी सामर्थ। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रार्थना। प्रार्थना मसीह जीवन का अविच्छेद अंग है। प्रार्थना ही मसीह जीवन की ताकत है। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमारी ढाल है, विश्वास हमारा लंगर है, उसी प्रकार प्रार्थना उस विश्वास की आवाज़ है जो आहें भर भर कर परमेश्वर को पुकारती है। वचन कहती है रोमियो 8 उसका 26 पद में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। निश्चय ही प्रियो, हम तो मनुष्य होकर नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, परंतु यह परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है और प्रार्थना करता है। हम प्रार्थना कैसे करें? जब यीशु के चेलों ने कहा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो यीशु उन्हें इस प्रकार प्रार्थना करने को सिखाते हैं जो हमें मिलता है लुका 11 उसका 2-4 पद में। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। इस प्रार्थना से प्रभु हमें 4 विशेष बातों को सिखाते हैं। पहली, हमें सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देना है। दूसरी, उसका धन्यवाद करना है। तीसरी, पापों की क्षमा मांगना है। चौथी, जिस प्रकार हमारे पाप क्षमा हुए उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के पाप क्षमा करना है। उसी प्रकार मत्ती 6 उसका 5-8 पद में बतलाते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें। जब तू प्रार्थना करें तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करें
तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। यहाँ वचन हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर के सम्मुख सच्चे दिल से आएं, अपने टूटे हुए मन और हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। हम प्रार्थना करें पर मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु इसलिए करें कि हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। यह वचन हमें बतलाती है कि हमें परमेश्वर को प्रार्थना करने के लिए लंबे लंबे शब्दों की नहीं, परंतु सच्चे हृदय की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पिता जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। मसीह में प्रियो, प्रार्थना करना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करने को ही प्रार्थना कहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब उनके निकट आएं, उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे। जैसा लिखा है यूहन्ना 16 उसका 24 पद में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसी प्रकार मत्ती 7 उसके 7 पद में हम देखने को पाते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मसीह में प्रियो, परमेश्वर आज हमें निमंत्रित करते हैं कि हम मांगे, पर हमें क्या और कैसे मांगे ये जानने की आवश्यकता है। पहली, हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगे। दूसरी, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे। तीसरी, हम बिना संदेह के विश्वास से मांगे। चौथी, नम्रता होकर मांगे। पहला, हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा कैसे मांगे? मसीह में प्रियो, आज हमें परमेश्वर कहते हैं मांगो, पर हम मनुष्य अपनी बुद्धि की घटी के कारण सांसारिक बातों को ही मांगते हैं। पर मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से उसकी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा को मांगना है, जो हमें हर एक अवस्था में, हर एक विपरीत परिस्थितियों में हमारी ओर से परमेश्वर को प्रार्थना करती है, हमारे मन को धीरज, शांति और विश्वास से भरती है। वचन बतलाती है लूका 11 उसका 13 पद में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। दूसरा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगे। हम जब परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हम अपने स्वार्थ या अपनी इच्छा और लालसा से ना मांगे, परंतु परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही मांगे। जैसा हमें वचन बतलाती है पहला यूहन्ना 5 उसका 14 और 15 पद में, और हमें उसके सामने जो हिवाय होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। तीसरा, हम बिना संदेह के विश्वास से मांगे। हम निसंदेह होकर मांगे, मन में विश्वास रख कर मांगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जैसा हम वचन में पाते हैं मरकुस 11 उसका 24 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ
कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार याकूब एक उसका 6 और 7 पद में वचन बतलाती है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जी हाँ प्रियो, हमें विश्वास से मांगना है। 4, क्षमाशील होकर मांगना है। मरकुस 11 उसका 25 पद में वचन कहती है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हम क्षमाशील हो, जिससे प्रेम और दया से प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किए, उसी प्रकार हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें और प्रार्थना के समय अपने मन में किसी प्रकार की विरोध को स्थान ना दें। तो मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें और कैसे मांगे। अब देखेंगे कि प्रार्थना की सामर्थ्य क्या है। अगर हम प्रार्थना की सामर्थ्य पर सवाल खड़ा करें तो यह हमारी मूर्खता है, क्योंकि प्रार्थना खुद अपने आप में ही सामर्थ्य है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सशक्तिमान और सामर्थ्य है। और प्रार्थना एक ऐसा सामर्थ्य वरदान है जिसे परमेश्वर ने हम हर एक के लिए दिया है। प्रार्थना परमेश्वर के प्रति आदर है। प्रार्थना परमेश्वर के निकट एक समर्पण है। जैसे कि हम बाइबल के में से को देखने को पाते हैं, जिसमें मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने नील नदी में से सूखा मार्ग को निकाला, और जब इसराइली भूखे थे तब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना से और मीठे पानी से तृप्त किया। पश्चाताप और प्रार्थना करने के द्वारा ही निनवे नगर के लोग परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए। प्रार्थना के द्वारा ही जहां 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा था, वहां एलिया के प्रार्थना करने के द्वारा मेघ की वर्षा हुई। प्रार्थना के द्वारा ही एलिशा नामान को कोढ़ से चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा को प्रकट किए। प्रार्थना के द्वारा ही उन्होंने अंधों को आंखें दी, बहरों को सुनने के लिए कान दिया, लंगड़ों को चलाया, लकवे के मारे रोगी को उठा खड़ा किया, मुर्दों को जिलाया, और जिस दिन हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट पकड़वाए जाने वाले थे उस दिन भी वे प्रार्थना में लौलीन थे, अपने पिता से बातें कर रहे थे। जब यीशु क्रूस पर थे तब भी वे हम जैसे पापी मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होकर पिता से सर्वदा प्रार्थना करते रहे और पिता की महिमा को प्रकट किए, तब हम जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं और उसके संतान होने की अधिकार पाए हैं, तब हम प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना क्यों ना करें। प्रार्थना हमें छुटकारा दिलाती है पापों से, बंधन से, रोग से, उदासी से। प्रार्थना हमें बचाती है शैतान की चाल से, संसार की भूली अभिलाषा से, विपत्ति से। और मसीह में प्रियो, हमें यह भी जान लेने की आवश्यकता है कि प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना या पाना नहीं, परंतु देना भी है। जी हाँ प्रियो, प्रार्थना के द्वारा हम एक दूसरे को आशीष दे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जैसा वचन बतलाती है याकूब 5 उसके 16 पद में,
इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, अंत में हम आज के विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए हम बाइबल की एक कहानी को सुने, दानियल और सिंह की मांद। दानियल एक बहुत ही धर्मी मनुष्य था। वह परमेश्वर का भय मानता था और अपने प्रतिदिन के जीवन में दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वह अपने राज्य में राजा का अति प्रिय था। वह उत्तम आत्मा से भरा और बुद्धिमान सलाहकार था। राजा उसे अध्यक्षों और अधिपतियों से भी बढ़कर प्रेम करते थे। यह देखकर राज्य का अध्यक्ष और अधिपति दानियल के विषय में ईर्ष्या करने लगे और उसके काम में दोष निकालने का षड्यंत्र करने लगे। वे देखें कि दानियल की परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और वे किसी बात में दानियल को गिरा नहीं सकते। वे दुष्ट मनुष्य राजा के पास गए और कहने लगे, हे राजा, तू महान है और केवल तू ही महिमा के योग्य है। अब हे राजा, ऐसा आज्ञा दे कि 30 दिन तक जो कोई राजा को छोड़ और कोई मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंह की मांद में डाला जाए। तब राजा दारा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जब दानियल को इस बात का पता चला तब वह राजा की आज्ञा से नहीं घबराया, पर अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था प्रार्थना करने लगा। तब वह अध्यक्ष और अधिपति दानियल को प्रार्थना करते पाए और राजा के सम्मुख यह शिकायत करने लगे कि हे राजा, दानियल आपकी आज्ञा की ओर ध्यान नहीं दिया और दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, सो तो उसे सिंह की मांद में डलवा दे। राजा यह सुनकर उदास हुए क्योंकि दानियल उनका प्रिय था, परंतु राजा ने तो आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया था, इस कारण व्यवस्था को बदल नहीं पाया और दानियल को सिंह की मांद पर डाल दिया गया। तब राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। उस दिन राजा रात को भोजन भी ना कर पाए और दुख से उन्हें रात को नींद भी ना आई। जैसे सुबह हुई राजा सिंह के गड्ढे के निकट गए और शोक भरी वाणी से पुकारे, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे भूखे सिंहों से बचा सका है? तब गड्ढे से दानियल कहता है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे, परमेश्वर ने अपने दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसे बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ हानि न की। तब राजा आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी और दुष्ट मनुष्य जिन्होंने दानियल के विषय में चुगली की थी उन्हें सिंहों के सामने मरने को डाल दिया गया। दानियल बच गया क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। जी हाँ प्रियो, हम भी दानियल के समान अपने विश्वास में बने रहें। जैसे दानियल के जीवन में संकट सिंह के रूप में आई थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी संकट विभिन्न रूप से आती है, परंतु हम ना घबराएं, हम विश्वास रखें, प्रार्थना में लगे रहें। जैसा वचन कहती है रोमी 12 उसके 12 पद में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब हम पर क्लेश आए तो हम यह ना कहें कि यह कितना बड़ा क्लेश है, पर परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहे। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसकी अनुग्रह हमें सारी क्लेश सारी तकलीफों से दूर करती है। परमेश्वर का अनुग्रह सच में महान है। प्रभु इस वचन में बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी दयालु पिता कि आपने हमें वचनों के द्वारा प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय में हम सबों को सिखाया है।
हे पिता, हम तो निर्बल मनुष्य है, प्रभु तू हमारी निर्बलताओं को ले और हमें अपनी आत्मा से भर कि हम तेरी ही और अपनी आँखों को लगाने पाएं, तुझ पर संपूर्ण विश्वास करने पाएं। हम हरेक के पापों को पिता अपने पवित्र लहू से धो ले और इस प्रार्थना को दया से सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए, आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से आप सभी कोई आशीष को ग्रहण किए होंगे। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय वस्तु के साथ, इसी समय शनिवार शाम 6 बजे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।